हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वर्तमान रो क्लास रे समस्त स्वागत। वर्तमान रो एक क्लास रे हमें मैथमेटिक्स रो इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करिबा, जहाँ कि हमरो आदर्श विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम रे आसी थाए। आ पाठटा होची पिला माने भग्नांश रे सान बड़ क्रम एवं भग्नांश रो युग वियोग, एई दुईटी पाठ आज हमें कंप्लीट करिबा। ठीक अछि, बहुत बढ़िया। तो समस्त क्लास शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जाओ, क्लास टी को हमें डिस्कस करिबा। मन रखिबो सबुदिन एई टाइम रे ही क्लास हबो, पिले टिके वेट करिबो, एपोर्ट सपोर्ट हे जिवो। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्वरु गोटे छोटिया इन्फॉर्मेशन दे दूची समस्तंकु। आमरो ऑलरेडी जो चैप्टर सबु क्लास सरी जाईची, तमे माने सही चैप्टर को टिके लेखा प्रैक्टिस करो। पिले इंग्लिश प्रथमे कभर कर दियो, इंग्लिश रो जो सबु क्लास सरी जाईची सेही पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट कर दियो। सेकंड, मैथमेटिक्स रो जो सबु पाठ सरी गलाणी सेही सबु पाठ गुडी को मध्य थोड़े लेखाएं ओभरलुक करी सब प्रश्न निजे समाधान कर दियो। लास्ट आसला तुम मान साइंस आउ सोशल साइंस, यही दुईटा को भी तुम टिके इम्पोर्टेंस देकी समाधान कर दियो। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो आज आम पढ़ा भग्नांश रे सान बड़ क्रम, भग्नांश रो युग वियोग। सर्वप्रथम मु समस्त को गोटे क्वेश्चन पचारू छी, पिले कहिबो जे केऊ संख्याटा बड़ हेबो केऊटा सान हेबो। मु एटी कहि देली तमकु 3 विभक्त 7 एवं 4 विभक्त 7 मध्ये रे बड़ किए, 3 विभक्त 7 एवं 4 विभक्त 7 मध्ये रे बड़ किए। वेरी गुड, 4 विभक्त 7 हेबो, कारण एटा होची 7 भागरु 3 भाग, एटा होची 7 भागरु 4 भाग। जेते बेले हर दुईटा समान हेबो, हमरो लब जिए बड़ जोटी बेसी भाग रहिबो सिए बड़, आमे जानिछे। यस और नो? यस, ठीक। सेमिति आउडे क्वेश्चन कहि देली, ताहले मु 3 विभक्त 8 बड़ ना 3 विभक्त 12 बड़, किए बड़ कहिलो? सेकंड क्वेश्चन टा, प्रश्न नंबर 2, किए बड़ हेबो? तीन विभक्त 8 बड़ हम। वेरी गुड, देख पिले एटी दुईटा जिनस मन रखा, एटी जेते बेले हर गुड़िक समान रहिला लब बड़ हेले सीए बड़ हेला, जेते बेले लब दुईटा समान हेबो हर जोटा सान सीए बड़ हेबो। जदि एटा भी बुझी पारिलनी, आउ गोटे शॉर्टकट मेथड अछि पिले, मन रख एई मेथड रे करिवो। ओके ठीक अच्छे, तो ओके शॉर्टकट मेथड देख, जोटा हेले भी सेम हम पिले, वज्र गुणन। कौन वज्र गुणन? 7 गुणन 4 28, 7 गुणन 3 21, बड़ 28 हेला, ताले एई साइड बड़ होइतिला हो ना नहीं? ठीक सेमिति एठी वज्र गुणन कले 8 गुणन 3 24, 12 गुणन 3 36, किए बड़ हेला ना? एई साइड बड़ हेला, आराम रे करि परिबा एबे। तो भग्नांश रे बड़ सान जानिबा वज्र गुणन करदेव, बहुत सहज रे पिले जानिबो। ओके, तो मन कर तुमको चारिटा प्रश्न देला, दुईटा नुह चारिटा, मु एठी देख देली 3 विभक्त 7, 2 विभक्त 3, 5 विभक्त 6, 1 विभक्त 9, इमानंक भितरे बड़ किए केमती करिबा? चलो प्रथमे मु कहि दउची, तापरे बढ़िबा। 2 2टा करि नेबा पिले, केतेटा? 2टा। 7 दुणे 14, 3 3 9, किए बड़ हला पिले? सेकंड टा बड़ हला 2 विभक्त 3, तो एटा लिखि देले हमें 2 विभक्त 3 आ 5 विभक्त 6, एटा कटि गला। एई दुईटा भितर एबे हमें बाहर करिबा, 3 5 15, 6 दुणे 12, बड़ किए ना? 15, 5 विभक्त 6 बड़ हला हो ना नहीं? वेरी गुड, तबे एई दुईटा को एबे जिबा 9 पंचा 45, 6 1 6, तो बड़ हेगला 5 विभक्त 6। तो समस्त मध्यरु बेसी बड़ हेला 5 विभक्त 6। अच्छा पिला माने परीक्षा पई कम समय रहिला रे, परस्पर मध्य रे एई कमेंट करिकि डिस्कशन करबा अपेक्षा तमे माने पाठ रे ध्यान दियो। मु चाहू छी आमर जेते जण पिला आदर्श बैच जॉइन करी छ,
ପାଖାପାଖି 300 ପାଖାପାଖି 290 ନା 297 ପିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ 300 ଉପରକୁ ଯେତେ ବି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ସିଟ୍ ପାଅ, ତମେ ବି ଖୁସି ହେବ, ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମା ବାପା ବି ଖୁସି ହେବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିବ ଆମେ ଡିଅର ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକେଇଲି, ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡା କହିବେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ କି, ଖୁସି ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ହେଲା, ତମର କଳାହାଣ୍ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବଡ଼ ସାନ। ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଶିଖିନେବା, ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ସମ କହିଲେ ସମାନ, ସମ କହିଲେ ସମାନ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ମନେକର ଆମେ ଲେଖିଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 4, 3 ବିଭକ୍ତ 4ର ଗୋଟେ ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ବିଭକ୍ତ 4ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ସମାନ। ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିଲେ ଲବରେ ଯେତେ ଗୁଣିବା, ହରରେ ସେତେ ଗୁଣିବା, ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେଇବ। ତ 3 × 6, 4 × 8, ୟା ମାନେ 3 ବିଭକ୍ତ 4 କହିଲେ ଯେତିକି, 6 ବିଭକ୍ତ 8 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। 3 × 3 9, 4 × 3 12, 9 ବିଭକ୍ତ 12 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ, ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ। ଉପରେ ଯେତେ ଗୁଣିବା ତଳେ ସେତେ ଗୁଣିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ। ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ପିଲେ, ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କହିଲେ କଣ କିରେ, ତାକୁ ସାନ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ସାନ କରିବା। ଯେମିତି ଏଠି ଏଠି କଟିଲେ ଆମର ହେଲା କେତେ, 4 × 3 12, 4 × 4 16, ଏଟା ହେଇଗଲା 3 ବିଭକ୍ତ 4। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖିଲେ ପିଲେ 25 ବିଭକ୍ତ 100 କୁ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କରିବା, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, 1 ବିଭକ୍ତ 4। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ସାନ କରିଦବା ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବଡ ସାନ ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା, ରେଡି ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ। 1 ନମ୍ବର, 1 ବିଭକ୍ତ 7ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶଟି କେଉଁଟି? 1 ବିଭକ୍ତ 7ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ? ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ପିଲେ, ଏବେ ପଢିଛେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସି ହେବ 1 × 2, 2 × 7 = 14, ଉପରେ 2 ଗୁଣିଲେ ତଲେ ବି ଆମେ 2 ଗୁଣିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ଭଗ୍ନାଂଶର କେତୋଟି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥାଏ? 1 ଭଗ୍ନାଂଶର କେତୋଟି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥାଏ, କେତୋଟି ହେଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର କେତୋଟି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଇପାରିବ? ଅସଂଖ୍ୟ ହବ, ସରିବନି, ସେଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି 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 ଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, 1 ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, କେଉଁଟି 1 ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିଲେ କଣ ନା, ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼। ତ 3 ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ପଢିଥିଲେ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ପସିବୁଲ ହବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। 4 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି 3 ବିଭକ୍ତ 7ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ? 3 ବିଭକ୍ତ 7ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ, ତିନିରେ 2 × 6, 7 × 2 = 14, ଏଟା ହବ, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35 ହବା କଥା, ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, ଠିକ ଅଛି, 3 × 4 = 12, 7 × 4 = 28, ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ତ 4 ନମ୍ବର ବି କିମ୍ବା ଡି ଯୋଉଟା କଲେ ବି ରାଇଟ ହବ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। 5 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି 1
अप्रकृत भग्नांश, अप्रकृत भग्नांश केउटी जानिछ पिले कहि दियो शीघ्र, केउटी एक अप्रकृत भग्नांश। पांच नंबर न विभक्त पांच, पांच नंबर बी हला राइट आंसर, न विभक्त पांच। केउटी एक मिश्र भग्नांश छ नंबर, केउटी एक मिश्र भग्नांश बहुत बढ़िया डी हेब, एक पूर्ण दुई विभक्त तीन, एक पूर्ण दुई विभक्त तीन, छ नंबर डी हला राइट आंसर। प्रश्न नंबर सात, केउं भग्नांश को मिश्र भग्नांश रे प्रकाश करी हेब, समस्त जानी छ पिले एटा में डिस्कस करी थिले पढ़ी थिले, केउं भग्नांश को आमे मिश्र भग्नांश रे लेखि पारिबा कहिलो टिके, अप्रकृत भग्नांश को मिश्र भग्नांश रे लेखि परबा। उदाहरण स्वरूप एठी मु लेखि देली पिले सात विभक्त दुई, याको हमें मिश्र भग्नांश रे लेखिले हेबो दुई तीन छ एक सात विभक्त दुई, तीन पूर्ण एक विभक्त दुई ही परबो। हाँ आठ नंबर, केउं भग्नांश को मिश्र भग्नांश रे प्रकाश करि हेबो, ए चारोटी ऑप्शन भितरु कोउटा को हमें मिश्र भग्नांश रे लेखि परबा कहि दियो। आठ नंबर अप्रकृत भग्नांश कोउटा एटी अप्रकृत भग्नांश रे अछि, आठ नंबर बहुत जन उत्तर दे सालणी डी हेबो राइट आंसर, एटा गुटे अप्रकृत भग्नांश हला, आठ नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर नौ नंबर, पचीस विभक्त पंचस्तरी रो लघिष्ट रूपटी केते, पचीस विभक्त पंचस्तरी को जदि आम सान कर लिखा केते हेबो पिले, नौ नंबर पचीस एक पचीस पचीस तीन पंचस्तरी एक विभक्त तीन हेबो राइट आंसर, नौ नंबर बी हला राइट आंसर, हाँ ना नहीं ओके। दस नंबर, दुई पूर्ण एक विभक्त नौ को अप्रकृत भग्नांश रे प्रकाश कले केते हेबो, दुई पूर्ण एक विभक्त नौ को आमे जदि अप्रकृत भग्नांश रे लेखिबा केते हेबो, एई दुईटा गुणीबा एईटा मिसई देबा, नौ दुणे अठर एक उन्नीस विभक्त नौ, तले जोटा रहिला उन्नीस विभक्त नौ, दस नंबर ए हला राइट आंसर। प्रश्न नंबर एगार, सड़चालीस विभक्त सात को मिश्र भग्नांश रे प्रकाश कले कौन हेब, सड़चालीस विभक्त सात को मिश्र भग्नांश रे लेखिले कौन हेब, देख पिले मिश्र भग्नांश आसिले तुम हरण कर जानी तथा कही दूसरी सड़चालीस हरण सात, सात गुणन छ बयालीस, सात सौ बयालीस रहीगला पांच, या मैंने कौन छ पूर्ण पांच रहीगला सात रे आम हरण करुले तो छ पूर्ण पांच विभक्त सात हम एगार नंबर बी। प्रश्न नंबर बार आसीगला, देख ये परीक्षा पढ़ुची पांच विभक्त सतर, पांच विभक्त नौ, पांच विभक्त तेर एवं पांच विभक्त एगार मध्यरु बड़ भग्नांश किए,
सबुठारु बड़ भग्नांश किए हेब? सबु लब समान हो गला, कौन लब सबु समान, तो हर जोटा सान सीए बड़, पांच विभक्त न बड़, बार नंबर ए हेला करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर तेर, ए सबु संख्या मध्यरु बड़ भग्नांशटी किए? सतर विभक्त चारि, सतर विभक्त बार, सतर विभक्त छ एवं सतर विभक्त न मध्यरे बड़ भग्नांश किए? सतर विभक्त चारि, लब जदि समान हला हर जी सान सी बड़, एवं पढ़ुले आम, वेरी गुड, ए हेला राइट आंसर। प्रश्न नंबर चौदह, दुई विभक्त तीन एवं दस विभक्त पंदर मध्य संपर्क कौन? चौदह नंबर देखा केते जन कर पढ़ुले पिले टी मन पकाओ। बहुत बढ़िया, चौदह नंबर वज्र गुणन कले, तीन गुणन दस तीस, पंदर गुणन दुई तीस, तीस और तीस समान हेगला, चौदह नंबर सी हेला करेक्ट आंसर, चौदह नंबर सी। प्रश्न नंबर पंदर, प्रश्न नंबर पंदर, केउटी चार विभक्त सात रो सम भग्नांश नुहे? केउटी चार विभक्त सात रो सम भग्नांश नुहे? केउटा हबो ना, चार दुई गुणिले आठ, सात दुई गुणिले चौदह, एटा अटे, चार तीन बार, सात तीन एक, एटा भी अटे, चार चौ षोह, सात चौ अठाईस, एटा भी अटे, चार पंचा कोड़े, सात पंचा पैंतीस, पैंतीस हवा कथा, एटा भूल अच्छी, या मैंने डी हेला करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सहज, देख षोह नंबर टी बुझी पे टे बुझी, चौदह विभक्त न र निकटतम पूर्ण संख्या टी के स्थान रे गोटे ट्रिक्स मुझे समस्ते जा रखी था, तुम नवोदय परीक्षा हो किंबा आदर्श परीक्षा हो, सबुति क्वेश्चन गोटे पड़ी था, चौदह विभक्त न र निकटवर्ती संख्या के, चौदह विभक्त न, चल केमी समाधान करवा, चौदह विभक्त न र निकटवर्ती पूर्ण संख्या, से प्रथम याकु आम मिश्र भग्नांश रे लिखा, चौदह हरण न, न एक न, चौदह रु न गला पांच, या मैंने कौन उत्तर बाहर एक पूर्ण पांच विभक्त न बाहर, ताले पूर्ण संख्या केते हेला पिले, पूर्ण संख्या आमर एक हेला, तो यही संख्या टी एक आउ दुई मझीरे अच्छी, बुझिपार एक एवं दुई मझीरे अच्छी, किंतु उत्तर दुई हेबो ना एक हेबो पिले, नौ भागरु पांच भागटा अधारु अधिक अटे, कारण नौ भागरु साढ़े चारि, साढ़े चारिटा आमर अधा अटे, तार अधिक पांच हो गलानी, तो आमर निकटवर्ती पूर्ण संख्या दुई हेबो, केते हेबो पिले दुई हेबो, एटा मन रख। ओके सतर नंबर एबे कह, सतर विभक्त पंदर र निकटतम पूर्ण संख्या द्वयर अंतर केते? अंतर कहले बिजुग, सतर विभक्त पंदर र निकटतम पूर्ण संख्या द्वयर बिजुग केते? पंदर एक पंदर एक आसला, पंदर एक पंदर एक आउ गोटे तार पर दुई, दुई रु एक गला एक हम, सतर नंबर डी। तापरे अठर नंबर, उन्नीस विभक्त आठ र परवर्ती ठीक पूर्ण संख्या टी के? उन्नीस विभक्त आठ र परवर्ती पूर्ण संख्या के? तार पर आसब पूर्ण, चलो बाहर करवा,
उन्नीस रण आठ आठ दुणे षोह तो आमर पूर्ण है दुई पूर्ण दुई रे एक मिसेले तीन हम अठर नंबर बी हम राइट आंसर कौन हम बी। क्वेश्चन नंबर 19 उन्नीस नंबर अंतिश विभक्त आठ र पूर्ववर्ती संख्या केते कहीदे पिले पूर्ववर्ती संख्या केते आठ तीर चौबीस आठ चौ बतीस तीन आसला पूर्ण संख्या ठीक पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या तीन आसब कारण तीन मझीरे रोचे ना नहीं पिले उन्नीस नंबर देख एटा तीन आसला तीन आउ चारि मझीरे रही तो ये मझी संख्या तार पूर्व किए आसला पिले पूर्वटा तीन हम उन्नीस नंबर आम पूर्व पूर्ण संख्या ऑप्शन डी हम टिके बुझ टिके। प्रश्न नंबर कोड़े सानरु बड़ क्रम सजाई लेख यही क्वेश्चन पड़ो तुम परीक्षा चलो समाधान करवा बुझे तीन एक तीन नौ दुणे अठर तो यही दुईटा भितर बड़ है दुई विभक्त तीन तो आम लिखी दे एक विभक्त नौ दुई विभक्त तीन तालोले यही दुईटा भितर बाहर करवा तीन तीन नौ अठर दुणे छत्तीस संपूर्ण बड़ नौ तीर सतैश अठर एक अठर तो ये आम आसगला तीन विभक्त अठर बुझी पारु निश्चिंत भाव तुमको डिफिकल्ट लगे पिले तथापि तो जदि खातारे करना तुम्हें सहजरे कर एक विभक्त नौ तीन विभक्त अठर दुई विभक्त तीन एटा हम राइट आंसर। एटे देख तीन एक तीन तीन सौ अठर एक विभक्त नौ रु बड़ एक विभक्त छ हम ना ना हम ता बड़ दुई विभक्त तीन कारण यहाँ जब दुई गुणिले आम हूँ चार विभक्त छा बड़ हम क्लीअर। एक नंबर पाखापाखी क्यों दुईटी पूर्ण संख्या मध्य सैंतीस विभक्त सात अवस्थित मन रख गणित पाठ को पिले सब बेले समाधान कर खातारे लिखिब रफ कर अंक कसिबो तापर उत्तर तुम बाहर ना उत्तर हम ना पाखापाखी क्यों दुईटी पूर्ण संख्या मध्य सैंतीस विभक्त सात आसब सात चौ अठाईस सात पंचा पैंतीस पांच आ छ मझीरे बी है राइट आंसर। ये बुझीपाल ना नहीं या प्रथम मिश्र भग्नांश लिखिदेव सात पंचा पैंतीस दुई रहीगला पांच पूर्ण दुई विभक्त सात मान पांच टू अधिक छु कम बी है राइट आंसर। बैश नंबर हर को एक रखी केतोटी प्रकृत भग्नांश गठन करहब हर को आम एक रखा तले केतोटी प्रकृत भग्नांश हो पार बैश नंबर कोड़े आमर कोड़े विभक्त एक पार पिले एक विभक्त एक हमने गोटे पूर्ण संख्या एक विभक्त एक करदे एक पूर्ण संख्या तेल कोड़े विभक्त एक जाए तुम आराम रे प्रकृत भग्नांश गठन करी पारिबो। तेईस नंबर यही सब भग्नांश मध्य क्यों भग्नांश टी क्षुद्रतम सबुठारु सान भग्नांश टी केते तेईस नंबर सबुठारु सान भग्नांश टी केते एक विभक्त दुई दुई विभक्त तीन तीन विभक्त चारि चार विभक्त पांच पांच विभक्त छ वज्र गुणन करवा दुई दुणे चारि तीन एक तीन दुई चौ आठ तीन तीन नौ एटा नौ एटा आठ चार चौ षोह
पांच तीरी पंदर चार सौ चौबीस पांच पंचा पची एटा बड़ हूँ तेल सान होगा के एक विभक्त दुई तेईस नंबर ए है किसी पिला बुझी पार नु जानी जो मैंने बुझी पार न दुई तीन थर यही पाठ को देख धीरे धीरे समाधान कर बुझी चौबीस नंबर क्यों बृहत्तम भग्नांशटी के क्षुद्रतम भूल देखिए बृहत्तम भग्नांशटी के बड़टा कौटा बहुत सहज पिले सात विभक्त एगार है ना नहीं बृहत्तम सात विभक्त एगार ये पिला मैंने बैश करेंगे जो मैंने पढ़ी ना बैश करदे लब सामान अच्छी हर सान सीए बड़ पचीस नंबर सबुठ बड़ किए चलो चलो शीघ्र कह दियो बड़ किए एगार विभक्त बार भेरी गुड पचीस नंबर एगार विभक्त बार हूँ बुझी एवं जीवा छब्बीस नंबर को सबुठ क्यों भग्नांशटी बृहत्तम छब्बीस नंबर किए बड़ पिले छब्बीस नंबर किए बड़ ये किंतु आमर भग्नांशर हर लब सामान ना वज्र गुणन कर दि छब्बीस नंबर तीन तीन नौ चार दुण आठ एटा हेनी चार चौ षोह पाँच तीन पंद्रह एटा हेनी पाँच पंचा पचीस छः चौ चौबीस एटा हेनी छः छत्तीस सात पंचा पैंतीस छ विभक्त सात बुझी राइट आंसर प्रश्न नंबर सतैश सान रु बड़ क्रम लेख देखा किए कहीपर सतैश नंबर डी हेब सतैश नंबर डी हेब कौन पाई देख पिले पांच पंचा पचीस छ चौ चौबीस तो ये सान आसला यही दुईटा ने पंदर पंचा पंचस्तरी छ दुणे बार ये सान आसला यही दुईटा भितर पुणी देखा पांच दुणे दस पंदर चौ षाठी ए सबुठ सान दुई विभक्त पंदर सबुठ सान टे बड़ चार विभक्त पांच ताठारु बड़ पांच विभक्त छ डी है करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर अठाईस सबुठारु बृहत्तम भग्नांशटी किए बड़ भग्नांश के चलो चलो कह दियो सब सतर अच्छी मान बड़ जो सान सतर विभक्त तीन सी है राइट आंसर अंतीस नंबर केउटी ठीक केउटा ठीक अच्छी कही देख हर सब सामान अच्छी पिले ताले केउटा ठीक अच्छी कही दियो अंतीस नंबर बहुत बढ़िया राइट आंसर हम ऑप्शन डी अंतीस नंबर डी है करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर तीस केउटा ठीक अटे तापर आम भग्नांशर जुग विजुग क्लास करवा इम्पोर्टेंट जिनस जान समस्ते शीघ्र शीघ्र कहीदि तीस नंबर हाँ आउ दुईटा पाठ आम इम्पोर्टेंट रहिला गोटे हूँ दशमिक संख्या यहाँ टी पढ़ा आ गए समय हिसाब पढ़वा ठीक भावे एति की पढ़ीदे आम कोर्स कम्प्लीट हो तो दु पाँच एक पाँच तीन दुण छः ये बड़ आसला तीन तीन नौ सात एक सात ये बड़ आसला पाँच तीन पंदर सात दुणे चौदह पंदर ये बड़ आसला तो तीन विभक्त सात लास्ट को रही दुई विभक्त तीन तार पर एक विभक्त तीन सबुठ सान एक विभक्त तीन रु दुई विभक्त पाँच ताठू आम बी हे तीस नंबर पिले बी हे देख सात दुणे चौदह पांच तीन पंदर तीन दुणे छ पांच के पांच है ना ना पंदर छ पांच बहुत बढ़िया एबे चलो आग को बढ़िया
ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା। କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନେବା। ଏଥିରେ ଆମର ସେଇ ସେମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓହୋ ହୋ 35ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲେ, ସାରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବ। 1 ନମ୍ବର, କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 7 ମିଶିଲେ 1 ହେବ? ଚାଲ କହିଦିଅ, କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 7 ମିଶିଲେ 1 ହେବ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, 7ଟି। କାରଣ 7 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଲେ ଆମର କଣ କେତେ ହେଇଥାଏ ପିଲେ, 1 ହେଇଥାଏ। 7 × 7, 7 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଏ, 7 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ଡି, କେତେ ହେଇଗଲା ଡି। 2 ନମ୍ବର, ଚାଲ ସମସ୍ତେ 2 ନମ୍ବର ଟି କହିଦିଅ, 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତ 12 କେତେ? ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ରୁ ଆସିବନି ପିଲେ, ଆସିବନି। କହିଦିଅ କହିଦିଅ, ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ପିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଲସାଗୁ ଗଲା 12 24, ଓକେ 24, 8 × 3 × 24 ଏଠି 3 ଆସିଲା, 4 × 6 × 24 ଏଠି 6 ଆସିଲା, 12 × 2 × 24 ଏଠି 2 ଆସିଲା, 6 × 2 = 8 × 3 = 11 ବିଭକ୍ତ 24। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ଡି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୋଗ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 12 ସମାନ କେତେ? ବହୁତ ବଢିଆ, ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଓକେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲି ନା, ସରି। ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? 2ଟା ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା କିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। 3 ଆଉ 2 5 ଲେଖିଦେଲେ, 3 ଆଉ 12 ଲସାଗୁ 12, 3 × 4 × 12, 4 × 4 = 5 ବିଭକ୍ତ 12। ତ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 12 ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଠି ଅପସନ ଦେଇନି, ଦେଇଛି କି ଦେଇନି, ତଥାପି ଚାଲ ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ କଲେ, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 3 ଯୋଗ 3 × 1 = 12, 3 × 1 = 12, 3 × 6 = 7 ବିଭକ୍ତ 3 ଯୋଗ 12 × 3 = 36 × 37 ବିଭକ୍ତ 12, ଲସାଗୁ ଗଲା 12, 3 × 4 = 12, 7 × 4 = 28, ଆଉ ଏଠି ଆମେ 37 ଲେଖିଦେଲେ, ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା 8 × 7 = 15, 3 × 2 = 5 = 6 = 12। ତ 12 × 5 = 60 ରହିଗଲା 5 ବିଭକ୍ତ 12, 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 12 ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଏଠି ଦେଇନି। 4 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର କର ପିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ, ୟାକୁ ମାନେ ସିରିୟସଲି କର। 4 ନମ୍ବର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ ନେଲେ 2, 3 × 1 = 4 ଆଉ 5 × 4 = 9 ବିଭକ୍ତ 2, ଏଠି ଅପସନ ଦେଇନି। ୟାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିବା, 9 ହରଣ 2 କଲେ ହେଉଛି 2 ଚଉ 8, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ରହିଗଲା ବିଭକ୍ତ 2, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, 4 ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ପାଠକୁ ପିଲେ ତମେ PDF ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପୁରା। 5 ନମ୍ବର କହିଦିଅ କହିଦିଅ, ଭେରି ଗୁଡ୍। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଠି ସବୁ 7 ଅଛି, ତ 5 × 2 = 7, 3 × 10 = 11, 11 ବିଭକ୍ତ 7,
एटी 11 विभक्त 7 ने आम हरण कले 7 के 7 रही गला 4 7 एक पूर्ण 4 विभक्त 7 पांच नंबर बी हेबो करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 कहिलो टिके केते हेबो पिले एक विभक्त 7 युग 2 विभक्त 14 युग 3 विभक्त 21 को केते हेबो चलो देखिबा के कहि पारु छी राइट आंसर। बहुत बढ़िया एठी राइट आंसर है गला लसागु केते जीव पिले 42 7 गुणन 6 कले 42 6 एक 6 14 3 42 3 दुणे 6 21 दुणे 42 3 दुणे 6 राइट आंसर है गला 18 विभक्त 42 ऑप्शन डी केते हेबो डी हेबो। 7 नंबर कहिलो टिके 7 नंबर पिले वेरी गुड लसागु जीव 70 14 75 14 3 42 7 10 70 2 10 20 10 7 70 7 1 7 मिसिले 7 2 9 4 2 6 विभक्त 70 69 70 इंपोर्टेंट प्रश्न 7 नंबर सी हैला राइट आंसर। 8 नंबर बिना ऑप्शन देखी कि कहिलो पिले 8 नंबर केते हेबो किरे 8 नंबर राइट आंसर केते हेबो बिना ऑप्शन देखि कि के कहि पारिबो शीघ्र शीघ्र बहुत बढ़िया लसागु हमर 12 जीवनी 24 जीव 4 सो 24 6 1 6 छ चौ चौबीस चार दुण आठ आठ तीन चौबीस तीन के तीन तो आठ तीन एगार छ सतर विभक्त चौबीस हम राइट आंसर। सतर विभक्त सतर ना एगार बिले के भूल कर दिली कि ऑप्शन तो देनी आठ छ चौ चौबीस दु चौ आठ आठ छ चौदह तीन सतर विभक्त चौबीस हम ये ऑप्शन देनी बोधे एटा आम सतर हवा कथा सतर विभक्त चौबीस हेला 17 विभक्त 24 9 नंबर केतोटी 1 विभक्त 10 मिसिले 2 हेबो केतोटी 1 विभक्त 10 मिलिले 2 हेबो जानी समस्ते एक विभक्त दस जदि दस टी हूँ एक ही था कोड़े टी दुई हम नौ नंबर सी हम नौ नंबर केते हम सी हम राइट आंसर। प्रश्न नंबर दस केतोटी 7 विभक्त 5 मिसिले 15 मिसिले 7 हम चलो उत्तर दे दियो केतोटी 7 विभक्त 15 मिसिले 7 हम कही दियो पिले कही दियो दस नंबर हाँ ठीक अच्छे गोटे कथा देख पिले 7 विभक्त 15 केतोटी हेले 7 हम कही तो आमे 15 टी करिबा 7 विभक्त 15 जदि आमर 15 टी मिसिला गुणन 15 15 15 कटिगला 7 रहिबो नले 15 105 हबो ऊपर हैला
तो एटी राइट आंसर हम ऑप्शन हमरो सी 11 नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न आसीगला पिले ए भलिया क्वेश्चन तुम परीक्षा रे पड़ो मन देखि शुण राजेश आनीथिबा सेउर एक विभक्त आठ अंश चुनु खाइला एवं एक विभक्त तीन अंश रानी को देला तेबे सेउर आउ केते अंश बड़का रहिला ओ के कहि पारिबो हिसाब करो खातार हिसाब करो वेरी गुड कौन है देख एक विभक्त पांच आउ एक विभक्त तीन मिसेदेले गला पंदर पांच तीन आठ विभक्त पंदर से मैंने खाई आते बढ़ी ना पंदर भागर आठ भाग गला तो आत भाग बोली बी हेब करेक्ट आंसर सात विभक्त पंदर हेब राइट आंसर प्रश्न नंबर बार जड़े कृषक तांक जमीर दुई विभक्त पांच अंश रे बाइगण ओ तीन विभक्त सात अंश रे आलू चाष करती अवशिष्ट जमी रे से फूल चाष करती तेबे से तांक समुदाय जमीर केते अंश रे फूल चाष करती चलो चलो कही दियो बिले से तीन विभक्त सात रे आलू चाष करती दुई विभक्त पांच रे बाइगण चाष करती आ बाकी रे फूल चाष करती ताले केते अंश रे फूल चाष करती सहज अच्छे ठीक अच्छे मिसेले आम दुई विभक्त पांच जुग तीन विभक्त सात प्लस गुगला पैंतीस पांच सत्ता पैंतीस सात दुणे चौदह सात पंचा पैंतीस पांच तीन पंदर अंतीश विभक्त पैंतीस अलरेडी गला पैंतीस विभक्त रु पैंतीस भाग रु अंतीस भाग चाष हो सारी बैगण आलु आते भाग रहा ना छाग छाग से फूल चाष कर बार नंबर ए हेब राइट आंसर परीक्षा यही भाग क्वेश्चन आसो तेर नंबर चलो टिके सरल कर पिले तेर नंबर दुई पूर्ण एक विभक्त तीन जोग तीन पूर्ण एक विभक्त चार जोग चार पूर्ण एक विभक्त सात कलु केते हेबो वेरी गुड अप्रकृत भग्नांश रे लिखिले भी हेबो आम डायरेक्ट जोग करदे भी हम जो पढ़ी आम तो आम चलो फास्ट डायरेक्ट करदे डायरेक्ट कले हूँ ना दुई तीन चार चार तीन सात दुई नौ एवं या सब को लसा को ने चौ बार सत्ता चौराशी केन गुणिले चौराशी हम तीन दुणे छठाई अठाईस मिसेदेले जोग चार दुणे आठ चार एक एक जोग सात बार सत्ता चौराशी मिसेदेले दुई एक तीन आठ तीन एगार एक रहा दुई दुई चार एक पांच एक छ एकसठ विभक्त चौराशी कौटे भूल करदे कि आउथरे करवा तीन दुण छन अठा चौबीस अठाईस चार दुण आठ चार एक चार एक बार सत्ता चौराशी दुई एक तीन आठ तीन एगार एक रहा दुई दुई चार एक पांच एक छठ विभक्त चौराशी हम है न पूर्ण एकसठ विभक्त चौराशी हम राइट आंसर जहाँकि ऑप्शन एटी देनी प्रश्न नंबर चौदह इम्पोर्टेंट प्रश्न गोटे आयतकार पड़िया दैर्घ्य दुई पूर्ण चार विभक्त सात मीटर प्रस्त तीन पूर्ण दुई विभक्त सात मीटर परिसीमा केते मीटर हम परिसीमा केते मीटर हम
आमे जानिचे परिसीमा समान दुई गुणन दैर्घ्य जोग प्रस्थ, परिसीमा समान दुई गुणन दैर्घ्य जोग प्रस्थ। तो आमर केते हबो पिले दुई पूर्ण चार विभक्त केते दुई पूर्ण चार विभक्त सात बोधे सात आउ तीन पूर्ण दुई विभक्त सात गुणन दुई दुई गुणन लसागु गला आमर केते एठी सात तीन दुई पांच लिखी देचे चार दुई छ तो आमर हेगला केते दुई पूर्ण एठी आमे जदि गुणन करदेबा एटा आमे पिले राइट हबो सात पंचा पैंतीस आउ छ एकचाश विभक्त सात गुणन दुई तो दुई ऑप्शन कौन दे पूर्ण संख्यार दे तो आमर दुई पंचा दस पूर्ण दस हबनी सात दुणे चौदह सात पंचा पैंतीस एकचाश विभक्त सात दुई एक दुई दुई चौ आठ विभक्त सात तो सात एक एक सात एक एगार पूर्ण पांच विभक्त सात एगार पूर्ण पांच विभक्त सात चौदह नंबर एगार पूर्ण पांच विभक्त सात डी है राइट आंसर है चौदह नंबर। आउ गोटे क्वेश्चन डिस्कस करिबा पंदर नंबर क्वेश्चन टोटल बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छी पिले तो आज पंदर टी क्वेश्चन डिस्कस करिबा नेक्स्ट क्लास को बाकी क्वेश्चन डिस्कस करिबा तुम्हें माने निजे मध्ये ए सब पीडीएफ को प्रैक्टिस करिबो टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी से आम आउ डिस्कस करिबानी। गोटे त्रिभुजर तीन बाहूर दैर्घ्य टी देइछि पिले तो परिसीमा केते हेबो कहिलो किए जानिबो पंदर नंबर परिसीमा केते हेबो मिसेई देबा सबको दुई पूर्ण तीन विभक्त चौदह जोग तीन पूर्ण चार विभक्त सात जोग एक पूर्ण पांच विभक्त सात प्रथम दुई तीन एक मिसेले तीन दुई पांच एक छ एबे लसागु गला चौदह आमर तीन मिसीगला सात दुणे चौदह मान दुई मिसिला सात दुणे चौदह मान पांच दुणे दस मिसिला दस दुई बार तीन पंदर विभक्त चौदह है तो यहाँ आउ गोटे ही पार सात एक पूर्ण चौदह सात एक पूर्ण चौदह ना चौदह सत्ता अठानबे कि अनेशत अप्सन देनी छ पूर्ण देखी राइट आंसर एक्चुअली हम पे सात एक पूर्ण चौदह बुझेगा ठीक अच्छे अप्सन गुडा भूलभाल देखी समस्ते निजे टिके प्रैक्टिस कर नेक्स्ट क्लास को आम बाकी जी रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करवा निजे मध्य प्रैक्टिस करके आसी सबको निजे अभ्यास करदेव है ओके देखा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू ऑल टेक केयर।